नमस्कार, केपी किचन में आपका स्वागत है। आज हम भंडारे वाली रामबा जी घर पर बनाना बताएंगे। सबसे पहले हम 3 बड़े चम्मच तेल लेंगे और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है तो हम इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और जीरा अच्छे से तड़क चुका है तो अब हम इसमें मसाला डालेंगे। तो इसमें मैंने 7-8 लाल सूखी मिर्च और अदरक का पेस्ट बना के डाला है। अब ये अदरक और मिर्ची हो चुके हैं, अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च, 1 बड़ा चम्मच सादा लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये मसाला थोड़ा सा हमारा हो चुका है तो इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे और मसाले को होने देंगे। 1/2 गिलास के करीब हमने इसमें पानी डाला है। ये कसूरी मेथी डालेंगे 1 चम्मच, इससे इसका टेस्ट और बढ़िया होता है। अब हम इसमें सभी सब्जियां जो हमने धोकर रखी थी उसको डालेंगे। इसमें मैंने लौकी, गिलकी, बैंगन, आलू, पत्ता गोभी और आपके पास जो भी सब्जियां हैं इसमें आप डाल सकते हैं। अब पालक और टमाटर मैं बाद में डालूंगी, सब्जियां गल जाएगी उसके बाद। अब इसमें स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे और इसको सब्जी को गलने तक ढककर पकाएंगे। अब सब्जी अच्छे से गल चुकी है 1/2 से ज़्यादा, तो अब हम इसमें पालक डालेंगे, और इसको भी थोड़ा सा होने देंगे। आप यहाँ पर टमाटर भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने टमाटर थोड़ी देर बाद डाला है। सब्जी को अब हम पकाएंगे। अभी सब्जी अच्छे से गल चुकी है तो हम इसमें 2 गिलास के करीब पानी डालेंगे। जितना रसा आपको रखना है उस अनुसार हम इसमें पानी डालेंगे और टमाटर भी डाल देंगे और फिर से इसको टमाटर गलने तक होने देंगे। अब सब्जी अच्छे से गल चुकी है तो मेशर की सहायता से हम इसको मिक्स कर देंगे, मेश कर देंगे तो ये सब्जी हमारी एक जैसी लगेगी। अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें मिर्ची और नमक डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप घर पर राम भाजी को बनाइए और इन्जॉय कीजिए। तो आप पूरी के साथ इसको खाएंगे तो ये और ही टेस्टी लगेगा, तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए।